क्लॉक टावर पूरा डूब चुका था और चारों तरफ पानी भर गया था। और इस डूबे हुए क्लॉक टावर पर एडम और क्रिमिनल्स रहा करते थे, जहाँ पर सकुरा सबके लिए खाना बनाता और हिप हॉप एडम का बॉडीगार्ड था, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। एक दिन हमेशा की तरह सब लोग सुबह सुबह योगा कर रहे थे, तभी हिप हॉप को किसी बड़ी सी चीज के अपने पास आने की आवाज आती। वो अपनी दूरबीन से इधर उधर देखता है और उसे दिखता है एक समुद्री लुटेरों का जहाज जो उनकी तरफ को आ रहा है। देखने के बाद वो भागता हुआ एडम के पास जाता है और बताता है कि उनकी तरफ को कुछ लोग आ रहे हैं बड़े से जहाज में, जिनके पास काफी खतरनाक हथियार भी। ये सुनने के बाद एडम हिप हॉप को उनसे बात करने के लिए भेज देता है ताकि ये सब वो जान सके। जैसे हिप हॉप वहाँ पर पहुँचता है, उस जहाज का कैप्टन उसे बताता है कि वो यहाँ पर कब्जा करने आया और वो चाहता है कि सब लोग क्लॉक टावर छोड़ के चले जाए। हिप हॉप उन्हें बताता है कि क्लॉक टावर पूरा डूब चुका है और उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। वो समझ चुका था कि अब उसकी जान खतरे में। अभी वो भागता हुआ एक आदमी को मारते हुए शिप से कूद जाता है। ये सब देखते हुए जहाज से एक बंदा हिप हॉप को गोली मार देता है और हिप हॉप की लाश तैरते हुए एडम तक पहुँच जाता है। अब देखना ये होगा क्या एडम क्लॉक टावर और अपने लोगों को बचा पाएगा। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंतजार करो पार्ट 2 का।